हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। और ये भी देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सीरीज़ लंबी चलेगी क्योंकि 16 चैप्टर 12th के हैं और 11th के 22 चैप्टर्स हैं। सबकी हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काफ़ी कमांड होगी। लेकिन चैप्टर पढ़ के ही लगाइएगा आप, उससे पहले लगाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो, दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लावरिंग वॉल। वॉल आप जानते हैं, वॉल से आप कन्फ्यूज होंगे, जो कह रहे हैं कि जो नॉट टेक्निकली करेक्ट द नेम्स फॉर ए फ्लावर फ्लोरल वॉल। जो फ्लावर होता है उसमें वॉल होते हैं, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गायनोशियम। तो कौन सा गलत है आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा, जो सही आपको इसमें गलत बताना है, सॉरी करेक्ट, नॉट टेक्निकली करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट कौन नहीं है। तो टेक्निकली करेक्ट अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, कार्पेल इज नॉट अ मेन वॉल। कार्पेल एक नॉट मतलब मेन वॉल नहीं है। और दूसरा जो है आपका कोरोला, सॉरी सेपल, कार्पेल और जो सेपल हैं वो आपके मेन टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है। जैसे एंडोशियम है, एंडोशियम के बाद गायनोशियम होता है, और कलक्श बहुत सारे पेटल का ग्रुप क्या कहलाता है, कोरोला, और बहुत सारे कैलिक्स का ग्रुप क्या कहलाता है, बहुत सारे सेपल का ग्रुप कैलिक्स। तो ये दोनों टेक्निकली गलत हैं, याद रखिएगा, जो सेकंड फोर्थ हैं वो टेक्निकली गलत हैं। तो उस हिसाब से सी हो जाएगा, ये दीज आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम। नहीं समझ आई बात को, समझना ऐसे है कि जो सेपल का ग्रुप होता है वो कैलिक्स होता है, और पेटल का ग्रुप जो होता है कोरोला होता है। तो ये दोनों जो है टेक्निकली गलत हैं, याद रखिए। कार्पेल फीमेल है ना, एंडोशियम मेल हो गया, फीमेल होती तो उसके लिए गायनोशियम होता है, कार्पेल थोड़ी लिखेंगे। तो ये रॉन्ग है, याद रखिएगा, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एम्ब्रियोसेक इज टू ओव्यूल, मतलब एम्ब्रियोसेक इज टू ओव्यूल डैश इज टू एन एंथर। तो एंथर के लिए क्या होगा आपको बताना, तो एंथर के लिए याद रखिएगा पोलन ग्रेन होगा, सी इज़ करेक्ट। ठीक है, एम्ब्रियोसेक ओव्यूल से, ओव्यूल से रिलेटेड है, और एंथर किससे, पोलन ग्रेन से, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगैनस फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन द थैलमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। बाहर से अंदर की तरफ आपको अरेंजमेंट बताना है कौन सा होगा। बाहर देखिए, हरे वाले होते हैं सेपल, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, पेटल के ग्रुप को कोरोला। तो पहले कैलिक्स हो गया, फिर कोरोला, फिर मेल हो गया एंडोशियम, फिर गायनोशियम। तो यही सवाल, यही ठीक है आपका, ए इज़ करेक्ट। बाकी क्या डिस्कस करेंगे। और डाइकोटिलेडनस प्लांट, और डाइकोट प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स। मतलब डाइकोट प्लांट है जो फ्लावर बियर करता है बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, उसमें फ्रूट और सीड नहीं आते। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन, ऐसा क्यों हो रहा है उसके अंदर, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, ऐसा उसके अंदर क्यों हो रहा। तो याद रखिए, क्या प्लांट डायशियस है, ठीक है, डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, इसमें सिर्फ पिस्टल है, ये गलत जवाब है। प्लांट इज डायशियस बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमेट, ये भी गलत है, याद रखिएगा। प्लांट इज मोनोशियस, क्या वो प्लांट बाइसेक्सुअल है। प्लांट इज डायशियस, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, बियर ओनली स्टेमेन, उसमें सिर्फ स्टेमेन है, इसी वजह से उसमें फ्रूट सीड नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है कि आउटर मोस्ट सबसे बाहर की और अंदर की कौन सी होती है, आपको जवाब देना। तो बाहर की एपिडर्मिस होगी और अंदर की टेप्टम होगी, तो डी इज करेक्ट। पाइप का डी, ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब प्लांट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं, मतलब इससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस अकर इन, मियोसिस कहाँ होगी आपको बतानी है। तो मियोसिस याद रखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर होगी, तो सिक्स का आपका सी हो गया, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगी, रॉन्ग, सॉरी एमएमसी, मुझे लगा नीचे वाला, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी के अंदर जो है मियोसिस होगी, ना कि माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। ये तो बाद में बनेंगे, लेटर स्टेज में बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गायनोशियम। आपको बताना है कि कुछ टर्म्स हैं जो आइडेंटिफाई करना आपको, कि जो गायनोशियम कहते हैं फीमेल को, जो फीमेल से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं कौन से टर्म फीमेल से रिलेटेड हैं आपको। दैट इज दीज, स्टिग्मा है, स्टिग्मा ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, प्लेसेंटा, ये बिल्कुल सही है। थैलमस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ये गलत हो जाएगा। और टैप्टम इज़ नॉट अ रिप्रोडक्टिव गायनोशियम पार्ट,
है ना। और ये जो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो उसके पास स्टेमेन इसमें, तो ये जो ए है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। थोड़ा ये ब्लर इमेज आई है इस क्वेश्चन की, इसकी छोटा कर लेते हैं, साफ दिखेगा। आपको बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, अंदर से द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर सही सीक्वेंस आपको बताना है क्या होगा। बिल्कुल आपको करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एन ओव्यूल आर। तो याद रखिएगा ये जो सही पार्ट है इसमें याद रखिएगा क्या, एग होगा, एग अंदर हो गया, एग के बाद न्यूसेलस, न्यूसेलस फिर एम्ब्रियो सैक फिर इंटिग्यूमेंट। ऐसा नहीं होता, देखिए ये अंदर से कह रहे हैं ना, अंदर तो एग होगा, ये तो बात सही है, अंदर एग होगा, लेकिन एग के बाद जो कंडीशन है वो एम्ब्रियो सैक होगा, एग के बाद एम्ब्रियो सैक फिर न्यूसेलस फिर इंटिग्यूमेंट्स। बी इज़ करेक्ट। इसमें आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावर। फीमेल गेमेटोफाइट के लिए बिल्कुल सही क्या होगा, उसमें याद रखिएगा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्टेज होती है, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट इज़ करेक्ट। एंड इट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो जिस हिसाब से दोनों, इट इज़ जो इनसाइड द इंटिग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसिलस, ये गलत हो जाएगा। इट हैज एन एग एपरेटस सिचुएटेड द चलेजल एंड, बिल्कुल गलत। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड सही स्टेटमेंट, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर इट इफ़, कैस्मोगेमस ओपन फ्लावर्स होते हैं याद रखिएगा, तो इसके अंदर ओपन फ्लावर होते हैं, पोलिन मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ये बिल्कुल गलत है कि पोलिन पहले मैच्योर हो जाएंगे। ओव्यूल मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पोलिन, ये भी गलत है। एंड बोथ पोलिन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, ये सही है याद रखिएगा। तो 10 का सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको सही स्टेटमेंट बताना है इसमें। क्लिस्टोगेमी क्या होती है, इसमें जो है बडिंग ये ओपन नहीं होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगेमी फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, वो ऑटोगेमी एग्जिबिट करते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जीटोनोगेमी, तो ये बिल्कुल गलत है याद रखिएगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटो एंड जीटो, ये भी गलत है। कैस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, ये गलत है। ये क्लिस्टोगेमी फ्लावर जो होते हैं ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी एग्जिस्ट करते हैं, तो ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट, एक तो लाइट है, नॉन स्टिकी पॉलिन इन लार्ज नंबर्स एंड स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फैदरी, मतलब जो पॉलिन होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, लार्ज नंबर में पैदा होते हैं, स्टिग्मा जो है काफ़ी बड़ी और फैदरी होती है। ये मॉडिफिकेशन किस से पॉलिनेशन होने के बाद होता है, तो ये विंड पॉलिनेशन की सबसे बेहतरीन है कि विंड से पॉलिनेट होगा तो उनके मेल और फीमेल गैमेट इसी टाइप के होंगे, ठीक है। स्टिकी नॉन लाइट और फैदरी स्टिग्मा, तो 12 का आपका क्या हो गया, सी हो गया। 13 की तरफ आते हैं, देखिए 13 की तरफ आते हैं। फ्रॉम द अमंग द सिचुएशन, सॉरी ये पीछे चला गया दोबारा से, सॉरी अभी हमें दोबारा खोलना पड़ेगा, ये पिछले चैप्टर का आ गया, कोई बात नहीं अभी पहुँचते हैं उसी भी। ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग पे चल रहे थे और फ्लावरिंग का हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वहीं पहुँचते हैं जहाँ पे हम बैग गए थे। 13 क्वेश्चन हमारा चल रहा था। चलिए, फ्रॉम द अमंग सिचुएशन गिवन बिलो द चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोनोगेमी एंड जीटोनोगेमी, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो, आपको बताना है सही जवाब इसमें। तो क्या मोनोशियस फ्लावर हो, मोनोशियस क्या हो गया, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में तो प्रिवेंट होगा ही नहीं क्योंकि उसमें हो जाएगा, तो इसमें जिस हिसाब से ये है तो उस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल बियरिंग ओनली मेल और फीमेल, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी प्रिवेंट होगी अगर वो यूनिसेक्सुअल है, डायशियस मीन्स दोनों सेपरेट यूनिसेक्सुअल कंडीशन, बी इज़ करेक्ट। 14 में आ जाइए, इन अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक में आपको बताना है, एक फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है, द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, कौन हैप्लॉइड होगा कौन डिप्लॉइड होगा कौन ट्रिप्लॉइड होगा आपको ये बताना है। तो सिनर्जिट जो है आपकी क्या होंगी, वो हैप्लॉइड हैं, जायगो डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया, ए इज़ करेक्ट 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। इन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, कौन कौन से सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, सिनर्जिट्स और एंटीबॉडल सेल जी डीजेनरेट हो जाते हैं, याद रखिएगा, बी इज़ करेक्ट। इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है। वाइल प्लानिंग फॉर ए, अगर आप करना चाहते हैं कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, वाइल प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व डायशियस प्लांट, मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी मोर रेलिवेंट नॉट बी रेलिवेंट, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल में, तो कौन सा स्टेप आप क्या करना चाहेंगे, नॉट रेलिवेंट होगा आपके लिए, बिल्कुल बेकार होगा। इमेस्कुलेशन आप मत करिए क्योंकि इमेस्कुलेशन आपको करना ही नहीं पड़ेगा,
आप क्यों मेल निकालेंगे इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी मेल फीमेल अलग अलग हैं। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तब हमें इमैस्कुलेशन करते हैं ना, उसमें से एंथर को बड़ी स्टेज में निकाल देते हैं, तो ये आप कंडीशन ये इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, इन द एम्ब्रियो द टिपिकल डाइकोट एंड ग्रास, टिपिकल डाइकोट डाइकोट में और ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल सिमिलर कौन से हैं। तो याद रखिएगा डाइकोट में जो उसका सीड होता है मतलब जो फ्यूचर खाना खाते वो कॉटिलेडन होता है, और ग्रास में उसे क्या कहते हैं शूटेलम कहते हैं, ग्रास के कॉटिलेडन को शूटेलम कहते हैं, तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन वेयर पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज फ्यूज फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो जो बना देते हैं उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको एपोमिक्सी कहते हैं, दैट इज फिनोमेना इज कॉल्ड एपोमिक्सी, फ्रूट एम्ब्रियो बन गया बगैर फर्टिलाइजेशन के, सीड अलग है वो पार्थिनोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ फ्लावर द मेगा स्पोर मदर एमएमसी फॉर्म, मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म मेगा स्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस में नहीं गए, ए वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक, इट्स न्यूक्लियाई वुड बी, उसका न्यूक्लियाई कैसा होगा। तो 19 से इधर की तरफ आते हैं, देखिए फिर चला गया बैग, देखिए अब दोबारा हमें जाना पड़ेगा, चलिए दोबारा जाते हैं, एक बार और जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के लिए बैक देखिए आ जाइए आप। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, इन अ फ्लावर इफ़ अ मेगा स्पोर मदर सेल, जो एमएमसी जो होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, उससे मेगा स्पोर बनेगा बगैर मियोसिस के, ठीक है, और एक मेगा स्पोर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में, तो उसकी इट न्यूक्लियाई वुड बी, उसका न्यूक्लियस कैसा होगा। तो देखिए न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ आते हैं क्वेश्चंस, न्यूक्लियस में भी डिप्लॉयड, याद रखिए उसका न्यूक्लियस की कंडीशन कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, बी इज़ करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसके न्यूक्लियाई डिप्लॉयड क्यों होगा, यहाँ से आपको, क्योंकि जो मेगा स्पोर होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन रखते हैं, याद रखिएगा, बाद में वो मियोसिस में जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 20, द फिनोमेना वेयर द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट, अगर ओवरी बगैर ओवरी डेवलप ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो ये कौन सी फिनोमेना कहलाएगी, ये पार्थिनोकार्पी कहलाएगी। ये क्वेश्चन भी 2019 नीट में आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में उसी फंडे के बेसिस पर फंसते हैं, तो आप इसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। कीप वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।